शिवपुरी के फिजिकल थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले डीमर मोहल्ले में रहने वाली महिला ने आज कलेक्टर जनसुनवाई में अपनी गुहार लगाई है। महिला ने पेट्रोल डालकर अपने आप को आग लगाने की कोशिश की, लेकिन पेट्रोल डालने से पहले ही कलेक्ट्रेट में तैनात पुलिसकर्मी ने महिला से पेट्रोल छीन लिया और महिला को आग लगाने से बचा लिया। आपको बता दें कि पूरा मामला पड़ोसियों से विवाद को लेकर है। जानकारी के अनुसार फिजिकल थाना क्षेत्र के डीमर मोहल्ला के रहने वाली महिला पूजा माहौर ने बताया कि उसका पड़ोसियों से विवाद हुआ था। वे अपने बच्चों को स्कूल से पढ़ाकर लौट रही थी, तभी महिला से गंदी गंदी गालियां पड़ोसियों द्वारा दी गई और महिला के घर के आगे पट्टियां रखी हुई थी, जिसको हटाने को लेकर पड़ोसियों से महिला का विवाद हुआ था, जिसकी शिकायत भी महिला द्वारा फिजिकल थाने में की गई। वहीं पड़ोसियों पर SC/ST एक्ट की धारा सहित मारपीट की धाराओं में मामला दर्ज किया गया, लेकिन लगातार पिछले 4 सालों से महिला परेशान है और पड़ोसियों द्वारा लगातार राजीनामा के लिए धमकी दी जा रही है। महिला ने बताया कि पड़ोसी जुगल वाथम, महेश बाथम और चिंगोली माहौर द्वारा 4 साल से महिला को राजीनामा बनाने के लिए धमकी दी जा रही है और लगातार गालियाँ दी जाती हैं, जिसके कारण महिला काफ़ी परेशान है और बार बार थाने में जाकर शिकायत करती है तो उसकी शिकायत नहीं ली जाती। वहीं महिला ने बताया कि थाने की पुलिस द्वारा भी गलत व्यवहार किया जाता है। थाने की मैडम कहती है 181 पर शिकायत करने से कुछ नहीं होगा, वो वैसे ही जेल चले जाएंगे। इसके चलते महिला काफ़ी परेशान है और SP ऑफिस शिवपुरी में भी महिला कई बार शिकायतें कर चुकी है। महिला ने बताया कि वह काफ़ी परेशान है, इसी कारण से आज जनसुनवाई में उसे पेट्रोल लेकर आना पड़ा और अपने आप को आत्मदाह करने के लिए मजबूर करना पड़ा। महिला ने बताया कि अगर उसकी सुनवाई नहीं होती है तो वह यही अपने आप को ख़त्म करेगी, नहीं तो टंकी पर चलेगी। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? पूजा माहौर। कहाँ रहते हो पूजा? फिजिकल थाने से आगे, फिजिकल पे रहता हूँ मैं, डीमर मोहल्ला। आज आपने कलेक्ट्रेट में पेट्रोल डालने की कोशिश की है, क्या पूरा मामला है? भाई साहब मेरे को परेशान करता हूँ, मैं रिपोर्ट कर करके थक गई, मैं रिपोर्ट ही नहीं ले रही मेरी। क्या मामला है आपका? क्या मामला है? धमका रहा है मेरे को, बेर बेर दरवाजा पी रहा है, जुगल बाथम, महेश बाथम और चिंगोली माहौर। कौन है जी आपके? पड़ोस में रहते हैं, बगल में रिजनेट लगो तो धमका रहा है, वीडियो में साफ साफ देख रहा हूँ, धमकी दे रहा है। इस बात को लेकर विवाद हुआ था? रिजनेट लगा है उस पर 4 साल हो गए, कह रहा है राजीनामा करो। विवाद क्या था आपका पुराना? मारपीट करी थी घर में उसके पहले भी। किस बात को लेके? बच्चों को लेके स्कूल से आ रही थी, मेरी रिपोर्ट यही पे पुरानी मेरे पास, तो गाली बक रहा था मेरे को। कौन? चोरी कर ली थी दरवाजे में जुगल बात, हमने पट्टियां उठा ली थी, तो मैंने उसका विरोध किया ना थाने पे जाके, हमने दरवाजे में पट्टियां निकाल ली भाई साहब, तो बाकी चक्कर में फिर भी मारपीट करी भाई साहब घर में घुस के, और अभी तक 4 साल से मेरा जीना हराम हो रहा, रोज थाने जा रही सुनते नहीं है, भगा देते मेरे को कुत्तन की तरह हल्का, तुम तो रोज आ जाती हो कहीं का, वीडियो बता रही तो भी नहीं सुन रहा, झूठी वीडियो बना के लाती हो कहीं तुम। कौन कौन धमका रहा है आपको? जुगल बातम, महेश बातम और चिंगोली माहौर। तो थाने वाले कौन गाली बकरा है आपसे? मैडम जी वीडियो आएंगी, मैडम खुद आएंगी, राजीनामा जो करेंगे वे कहीं, तुम वो मत करो कहीं 181, वो तो वैसे जेल में चला जाएगा, तुम क्यों लगी फालतू में, देखो तुम मैडम की सुनना वीडियो आएंगी मेरे साथ, बनवाई है। आप जन सुनवाई वगैरह में कब से आवेदन दे रही हो? जन सुनवाई में एक बार भी नहीं आई, SP साहब के 3 बार दे चुकी भाई साहब में, तो अब मेरे को कोई कहीं से उम्मीद नहीं है, मैं तो मरूंगा आज। तो आपके पास जो पेट्रोल आया वो कहाँ से आया था? मैं खरीद के लाई हूँ भाई साहब। फिर साहब ने क्या आश्वासन दिया कलेक्टर साहब ने आपको? किसी ने आश्वासन नहीं दिया, पुलिस वाले गंदी गंदी गाली बक के भगा रहे थे, फिजिकल की पुलिस इतनी गंदी है भाई साहब, इतना गंदा बोलती है लेडीज से कि मेरे को वापस लौटना पड़ता, कुछ भी नहीं कह पाती मैं। पुलिस वाले का नाम याद है क्या? नाम याद नहीं है, मोटे मोटे से टाइपिंग करते रहते हुए। तो अभी आपसे पेट्रोल किसने छीना लिया? आप डालने की कोशिश की तो अंदर से भाई साहब आए तो बोलेगा मेरे से छीन के, आवेदन कहाँ से दो, पैसे नहीं है मेरे पास, मैं लगा लगा के थक चुकी, झूठा केस लगा देते बाकी भैया ने, लट मारो और कह रहा होगा जिन्हें मारो, रात को FIR करा दी मेरे पति के नाम। अगर आपकी सुनवाई नहीं होती तो आगे क्या करने वाली हो आप? मैं तो मरूंगा भाई साहब, मैं कहीं नहीं जा रही, सब जगह से थक चुकी मैं, बस मैं तो जही मरूंगा आज पेट्रोल डाल के, मैं नहीं मरूंगा तो थोड़ी देर बाद टंकी पे चढ़ के मरूंगा, लेकिन मरूंगा जरूर आज, मेरे को जीना आराम कर रहा है, जी नहीं पा रही तो क्या करूंगा फिर मैं।